डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज फिजिकल स्टेट। दे आर ग्रेइश वाइट। ग्रेइश वाइट मैलिएबल and ductile metals and have a metallic luster। इन सभी के पास क्या होता है बेटा? एक metallic luster होता है ना। and hardness decreases। This is the trend, hardness decreases on moving down the group means the first element है group का वो सबसे ज़्यादा hard होगा और सबसे last element सबसे ज़्यादा कम hard होगा, है ना। नंबर टू इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर फेयरली लार्ज। थोड़ा सा क्या होता है, बड़ी होती है। वट स्मॉलर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। क्लियर? जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनसे क्या होती हैं, छोटी होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेंड क्या होता है आपका, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप मींस सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई किसकी होगी बेटा? बेरिलियम, इससे बड़ा मैग्नीशियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, आफ्टर दैट स्ट्रॉन्शियम, आफ्टर दैट बेरियम एंड एट लास्ट इज रेडियम। दिस इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई। ऐसा होता क्यों है? तो ड्यू टू दिस, यहां पे लिख देते हैं, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन number of cell on moving down the group। जैसे जैसे number of cell बढ़ेंगे नीचे जाने पे, उनका atomic and ionic radii बढ़ जाएगा। क्लियर?